मीडिया ओनरशिप इसलिए बहुत मायने नहीं रखता, हम लोग केवल दो चार लोगों की बात करते हैं और ये महत्वपूर्ण है, लेकिन हम केवल ये नहीं कह सकते कि किसी का प्रचार या किसी के पक्ष में रिपोर्टिंग कर करके सरकारें बना ली गई हैं, उसके पीछे बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। अब जैसे आज हम बात करते हैं, मैं भी आज तक यही समझता था कि विनी जैन समीर जैन ने बोल दिया कि हम इसके बिजनेस में हैं विज्ञापनों के, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। जबकि मैं आपको बताऊं कि रामोजी राव और सकाल, सकाल जो मराठी का एक बहुत बड़ा अखबार है, उसके बारे में लिखा है कि सकाल के प्रबंध निदेशक और प्रमुख राजनीतिज्ञ शरद पवार के भाई पीजी पवार ने इस अखबार का प्रचार और विपणन टूथपेस्ट और रसोई गैस की तर्ज पर किया। उन्होंने कहा, मैं अपनी खबर और विचार पाठकों को बेचता हूं और अपने पाठकों को विज्ञापनों को बेचता हूं। 1992 में केवल 7 वर्षों में सकाल का वार्षिक कारोबार 60 मिलियन रुपए से बढ़कर 6 करोड़ रुपए हो गया। इसके बाद रामोजी राव, जिनका विद्यार्थी जीवन में झुकाव साम्यवाद की ओर था, उन्होंने विज्ञापन की दुनिया में प्रवेश किया और इसे अपनाया। बाद में एक बार उन्होंने कहा कि जैसे पानी और मछली का संबंध है, वैसा ही संबंध अखबार और विज्ञापन के बीच है। तो जब हम प्रिंट कैपिटलिज्म की बात करते हैं, बड़ा ज़रूरी है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। हाँ, जब पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात आती है तब थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ तक अगर हम विज्ञापनों तक मीडिया के इसके ओनरशिप की बात कर रहे हैं, जब विज्ञापनों की ओर जाते हैं, तो वहाँ पे इसकी बड़ी ज़रूरत है। अगर विज्ञापन नहीं होंगे तो ये समझिए कि वो अखबार, आप जो गांधी के जर्नलिज्म की या अम्बेडकर के जर्नलिज्म की बात करते हैं, जब अखबारों में कोई भी विज्ञापन नहीं होने चाहिए तो उनका विस्तार नहीं होगा, जाहिर सी बात है। और केवल 4 लोगों के इंटेलेक्चुअल्स के बीच की अखबार होना अखबारों की कोई महानता नहीं है।